नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री राजेश व्यास ने बताया कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए अलीराजपुर पुलिस के द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 निर्विघ्न भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से संपूर्ण जिले में अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सूक्ष्मता से निगाह रखी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 20 सितंबर 2023 की दरमियानी रात में आंबुआ पुलिस टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें, दिनांक 20 सितंबर 2023 को आंबुआ पुलिस टीम को रोड पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि ग्राम जवानिया तरु से एक सफेद रंग की होंडा सिटी कार अवैध शराब परिवहन कर ग्राम झीरण के रास्ते से ग्राम टैमाची की तरफ जा रही है। सूचना पर SDOP जोबट नीरज नामदेव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आंबुआ, उप निरीक्षक योगेंद्र मंडलोई एवं अधीनस्थ टीम के द्वारा वाहन की घेराबंदी करते हुए ग्राम झीरण पहुंचे और नाकाबंदी की गई। तभी ग्राम जवानिया की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की होंडा सिटी कार क्रमांक GJ03CA3996 कार झीरण की तरफ से आ रही थी। तभी उक्त वाहन के चालक के द्वारा पुलिस टीम को देखकर दूर से ही वाहन को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस टीम के द्वारा वाहन के पास जाकर वाहन को चेक किया गया तो वाहन में 31 पेटी बियर की रखी होना पाया गया, जो अवैध रूप से परिवहन कर ले जाई जा रही थी। आंबुआ पुलिस टीम के द्वारा उक्त वाहन को अपने कब्जे में लेते हुए विधिवत कार्यवाही करते हुए अज्ञात आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध थाना आंबुआ अपराध क्रमांक 260 और 2023 धारा 34 और 46 एक्ट का पंजीबद्ध कर 31 पेटी माउंट बियर कुल 372 बल्क लीटर शराब जिसकी कीमत 89,280 रुपए तथा अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त होंडा सिटी कार जिसकी कीमत 5,00,000 रुपए का जब्त कर प्रकरण को जांच में लिया जाकर शराब परिवहन के संबंध में जांच की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक योगेंद्र मंडलोई, थाना प्रभारी आंबुआ सौनी मनीष, आर प्रेम, आर रोशन, आर दिलीप एवं आर राकेश का सराहनीय योगदान रहा है। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री राजेश व्यास के द्वारा बताया गया कि संपूर्ण जिले में अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर लगातार पुलिस की नजर बनी हुई है। अवैध शराब में लिप्त असामाजिक तत्वों पर आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी। अलीराजपुर से जितेंद्र वाणी की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज में।